केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर और अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वे राज्य के दो दिन के दौरे पर हैं। श्री शाह मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ आज अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इसका आयोजन मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत किया गया है। इस दौरान श्री शाह ने अपने संबोधन में कहा कि ये अभियान देशभक्ति की भावना जगाने का अभियान है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पूरे उत्साह के साथ इस अभियान में आप सभी शामिल हों। मेरी मिट्टी मेरा देश, हर गांव से वो मिट्टी जिसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिए, वो मिट्टी और तिरंगा हाथ में लेकर युवा निकलेंगे, युवा दिल्ली पहुंचेंगे और वहां मोदी जी को सारे देश से आई हुई मिट्टी तिरंगे के साथ थमाएंगे और महान भारत के संकल्प को युवा शक्ति हर गांव में दोहराएगी। मित्रों, मुझे विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने आजादी के अमृत महोत्सव के आंदोलन को देशभक्ति का ज्वार खड़ा करने का एक जरिया बनाया, उसी तरह से मेरा देश मेरी मिट्टी एक कार्यक्रम हमारे देश के हर गांव की पवित्र मिट्टी और हमारे आन बान शान हमारा तिरंगा आने वाले दिनों में महान भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का हमारा संकल्प पूरा करेगी। आज मैं इस मंच से मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी मतदाता भाइयों बहनों को, समग्र गुजरात की जनता को और समग्र देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि 13 अगस्त से 15 अगस्त अपने घर पर तिरंगा लहराइए और अपनी सेल्फी को ऑनलाइन अपलोड करिए। आपका एक फोटो, आपका तिरंगा लहराने का काम इस समग्र देश को महान बनाने के अभियान में देखते देखते परिवर्तित हो जाएगा। और जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ मेरे सामने युवा खड़े हैं, मुझे विश्वास है कि ये अभियान देशभक्ति की भावना को चरम सीमा पर ले जाएगा और देश को महान बनाने के संकल्प को वज्र से ज्यादा दृढ़ता के साथ जन जन में और विशेषकर बच्चों में और युवाओं में प्रस्थापित करेगा। इस दौरान श्री शाह ने गांधीनगर के पास राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के कमांडो के लिए नए भवन का वर्चुअली शिलान्यास भी किया। लोकावाड़ा में 60 एकड़ में बनने वाले इस भवन से गुजरात के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश को भी लाभ होगा। श्री शाह ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में 4 लेन वाली 2 सड़कों की और 2 सरकारी अस्पतालों के आधुनिकीकरण कार्य की आधारशिला भी रखी।